नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस सप्ताह जो हमारी सोयाबीन की फसल है, फूल आने की अवस्था में इसकी स्थिति देखी गई है और ऐसे समय पे कुछ विशेष कीड़ों का प्रकोप देखा गया है, जबकि कुछ फफूंद जनित बीमारियां या वायरस की बीमारियां भी देखी गई है और इनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इस बारे में आज की हम साप्ताहिक सलाह में जानेंगे। साथियों, ये देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में जो फफूंद जनित रोग है, उसके साथ साथ कुछ कीड़े ऐसे हैं वो फूलों को भी खाने की जो जानकारी मिली है। तो आपको ये है कि समय रहते ही अपनी फसल में कीड़े या रोगों का नियंत्रण करें, ताकि हम अपने फसल में होने वाले नुकसान से हम उसको बचा सकें और इसके लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ उसका स्प्रे जरूर करें। अब सोयाबीन के फसल के ऊपर जितने भी फफूंद जनित बीमारियां देखी जा रही है, उसके लिए आपको ये करना है कि स्क्रीन पे दिए गए जानकारी के अनुसार सोयाबीन फसल के लिए अनुशंसित जो फफूंद नाशक है उनकी मात्रा भी दी गई है, उनमें से कोई एक ले और अपनी फसल पे छिड़काव कर ले और इन रोगों का नियंत्रण करें। साथियों, महाराष्ट्र का जो बुलढाणा जिला है, वहाँ से हमें समाचार मिले हैं कि सोयाबीन की खेतों में ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई, सूखे की स्थिति रही और ऐसे क्षेत्रों में जो सफ़ेद सुंडी है यानी कि वाइट ग्रब, उसका प्रकोप ज़मीन में देखा जा रहा है। आप जानते हैं ये गोबर की खाद के साथ में ये कीड़ा आता है और उसके नियंत्रण करने के लिए जो भी उपाय है, तो आप ये करें कि अपने खेत में जगह जगह पे प्रकाश प्रपंच लगाएं, ताकि वो जो वाइट ग्रब है एक साथ इकट्ठा हो जाए और उसको हम पकड़ के उसको कंट्रोल कर लें। और उसके साथ में जो दानेदार क्लोरपाइरीफॉस जो दवा आती है 2% दानेदार, 16 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अपने खेत में उसका छिड़काव करें। ध्यान रखें, उसको ज़मीन में अच्छी तरह से पानी के साथ मिलना चाहिए और सॉइल ड्रेंचिंग, उसका दो पौधे के बीच में जो पाथ रहता है, दूरी रहती है, उसमें अच्छी तरह से उसको मिला लें। उसके साथ साथ मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में घोंघे या मराठी में उसको जो गोगल गाय कहते हैं, स्नेल्स एंड स्लग्स, उसका प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप लोगों को ये सलाह है कि अपने खेत में नियमित रूप से जाए, सतर्क रहे, निगरानी करें और जैसे ही आपको दिखता है तो आपको ये करना है कि जूट के बोरे ले, उसको गुड़ का जो द्रावण है उसमें मिलाए, उसको भिगो कर रखें और इन जो बोरों को अपने खेत में जगह जगह पर रख दें रात के समय पर, और दूसरे दिन आके देखें कि इस बोरे के नीचे गोगल गाय या स्नेल्स है वो इकट्ठा हुई है या नहीं। अगर हुई है तो उसको एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर ले, उसके ऊपर नमक डाले ताकि वो उससे मर जाएंगे। दूसरा आपको ये भी है कि अपने खेतों के चारों ओर बॉर्डर पे या किनारों पे चूने की लकीर डाल दे, ताकि ये जो स्नेल्स है अपने खेत में घुस नहीं पाए। और समस्या अगर अधिक ज़्यादा दिखाई देती है तो अपने खेत में सोयाबीन की फसल पर जो अनुशंसित रसायन है, इस समय पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई एक लेके अपने छिड़काव कर ले, जैसे कि मेलाथियोन है 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या लैम्बडा साइलेथ्रिन 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या इंडोक्साकार्प 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। साथियों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी पीली मोजाइक की वायरस जनित बीमारियां है और उसके साथ साथ सोयाबीन मोजाइक की बीमारी है। ये दोनों बीमारियां सोयाबीन की फसल पे दिखाई दे रही है और इनको नियंत्रित करने के लिए जो कॉम्बिनेशन दवाइयां, पूर्व मिश्रित दवाइयां है, जिसमें संपर्क विष भी है और अंत प्रवाही विष भी है, तो इस प्रकार के जो सूची आपको दिखाई दे रही है उनमें से कोई एक ले अपने फसल पर इसको छिड़काव कर ले। और साथ ही साथ जो अपने खेत में जगह जगह पे पीली स्टिकी ट्रैप भी लगाए, और आपको ये भी देखना है कि अगर ऐसी दवाइयों का छिड़काव करते तो पीली मोजाइक की बीमारी को फैलाने वाली जो सफ़ेद मक्खी है या सोयाबीन मोजाइक को फैलाने वाला जो माहू है, एफिड है, उसका नियंत्रण हो जाएगा और साथ ही साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण इन्हीं दवाइयों से हो जाएगा। साथियों, चक्रभृंग की जो समस्या है आपके खेतों में बहुत
मुख्य रूप से ये देखी जाती है, प्रमुख कीट है, और उसके नियंत्रण के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ हैं। इस समय पे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ नई दवाइयाँ भी हैं। कोई भी आप इनमें से दवाई ले और अपने खेत में सोयाबीन की फसल पर छिड़काव कर ले। साथियों, यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है, चाहे वो सेमी लूपर इल्ली हो या तंबाकू की इल्ली हो, चने की इल्ली हो, यदि तीनों एक साथ है या इनमें से कोई एक है, तब उसके नियंत्रण के लिए जो कई प्रकार की जो दवाइयाँ इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इनमें से कोई ले और अपने खेत पे छिड़काव कर ले। साथियों, जहाँ पे आपकी फसल में पत्ती खाने वाली इल्लियाँ और उसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी या एफिड, और उसके साथ साथ तना छेदक कीट भी है, तना मक्खी या चक्रभृंग, तो इनके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपके स्क्रीन पे जो कॉम्बिनेशन यानी कि पूर्व मिश्रित दवाइयों की सूची दिखाई दे रही है, उनमें से कोई एक ले अपने फसल पे छिड़काव कर ले। साथियों, जहाँ पे आपकी फसल 30-40 दिन की हो गई है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप चाहे तो हाथ से निंदाई का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि खरपतवार से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ कई प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाना है, और जो सामान्य सलाह है वो भी, उसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, और इसके लिए आपके स्क्रीन पे आई बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करें और उस वीडियो के देखें, तो कीट या रोग नियंत्रण के साथ साथ अन्य हमारे सुरक्षात्मक उपाय है, उसको भी आप अपनाएं। धन्यवाद।